वो अभी यहाँ पे पहुँचने वाला है, ऐसा 15 मिनट से बोल रहा है। और अभी राजकोट में आधे से ज्यादा ट्रेन खाली हो चुका है, तो अभी हमारा जहाँ मन करेंगे वहाँ बैठेंगे। हाय प्रफुल्ल, मरीन ड्राइव जैसा जो बना है और यहाँ पे तो हमें बहुत बहुत ज्यादा मजा आ गया। हे लवलीज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गाइस। अभी मैं हूँ द्वारका में, सो श्री कृष्ण की प्यारी नगरी द्वारका में आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स और उनकी एक स्वीट सी फैमिली के साथ आई हूँ, और हम लोग कल रात को मुंबई से निकले थे, आज दोपहर को यहाँ पे पहुंचे। तो सबसे पहले मैं हमारी मुंबई से लेकर द्वारका की जर्नी रिवाइंड करती हूँ, तो आप सबसे पहले वो देखिए। हेलो, कहाँ पहुँचा? हेलो, हाँ कहाँ पे पहुँचा? बस आते हुए पहुँच रहा हूँ। हाँ कितना टाइम लगेगा? बस 15 मिनट। तू मुझे पिछले 15-20 मिनट से यही बोल रहा है, 15 मिनट में आ रहा हूँ, 15 मिनट में आ रहा हूँ, सच बता। बस बस आया आया, पहुँच ही गया हूँ। 15 मिनट में नहीं आया ना तो दिखते को छोड़ के चले जाएंगे। हाँ मैं तो कब का पहुँच गई, 15 मिनट जल्दी, एग्जैक्ट 15 मिनट। सो गाइज, अभी मैं बोरी वाले स्टेशन पे हूँ और मैं वेट कर रही हूँ प्रफुल्ल का, वो अभी यहाँ पे पहुँचने वाला है, ऐसा 15 मिनट से बोल रहा है, देखते उसको कितना टाइम लगेगा। इसका 15 मिनट अभी तक नहीं हुआ, कब होगा पता नहीं। 2000 years later। हेलो, हो गया 15 मिनट, कहाँ पहुँचा? स्टेशन के बाहर ही आ गया। पक्का स्टेशन के वहाँ बाहर है? पक्का, बात कर रहा है। ट्रेन आने में सिर्फ 10 मिनट है, जल्दी आ। हाँ जल्दी देखो आ गया ये, कब से 15 मिनट बोल के आधे घंटे से वेट करा रहा है, अब भी आया। देखो देखो वो आ गया, यहाँ पे वो वाला मीम आएगा, देखो वो आ गया। ओ, चल चलो। कितना लेट कर दिया? तू लेट करता है, मैं नहीं, हमेशा लेट आते हैं हमेशा। मुंबई के बोरीवली स्टेशन से रात को हमारी द्वारका की जर्नी की शुरुआत हुई। रात की 9:49 की सौराष्ट्र मेल में हमने टिकट बुक की थी। ट्रेन में बैठने के बाद आधा घंटा टाइम पास करके फिर 10:30 बजे के अराउंड हमने किया डिनर, और सबके साथ डिनर करके मजा आ गया। और फिर रात को तो हमने गेम्स खेल के टाइम पास किया। ये लड़की ने पूरी गुजराती टीम लेके आई है और मेरे को अकेले को मराठी। ये देखो टीसी आया अभी, ये टीसी है, इन्होंने इसके ऊपर फाइन मारा है 300 रुपीस। ये दूसरे की सीट पे इधर एडजस्ट हुई है, दूसरे की सीट नहीं थी, मेरे फ्रेंड की सीट थी, बट बेचारे का एंड में मेरा आना कैंसिल हो गया तो उसकी जगह पे मैं आ गई, पर ये हमें नहीं पता था कि ये झूठ झूठ झूठ। अरे तू जा रही? जय जय जगदीश। अभी सुबह के 9:30 बज रहे और हम लोग फाइनली राजकोट स्टेशन पहुंच चुके। अभी यहां से द्वारका आने में अराउंड 4:30-5 घंटे है, हम लोग 2 बजे के अराउंड पहुंचेंगे, तो देखते हैं अभी आगे का सफर कैसा रहता है। अभी तक तो बहुत ज्यादा मजा आया। अभी द्वारका आने में 4 घंटे और बाकी थे, तो हमने खेला हाउसी गेम, और वैसे ग्रुप में जाओ तो गेम्स खेलते खेलते टाइम कब चला जाता है पता ही नहीं चलता। प्रफुल्ल, और कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? 1 घंटा। और रात को सोया है? नहीं सोया ही था ना, सुबह सबसे लेट उठा है तू। मैं 6 बजे 4 बजे सोया, फिर 6 बजे में ना उधर गेट पे गया था, तो सब लोग स्टेशन आ रहा था, सब लोग रिटर्न रिटर्न आ रहे थे, मेरे को बार बार उठना पड़ रहा था, मैं वापिस आके 6 बजे था। फिर 6 बजे सो के डायरेक्ट 11 बजे उठा ना? ये लड़की खराटे मारती है। कुछ भी कुछ तू पहले सुना, पहले रिकॉर्ड नहीं किया लेकिन तू खराटे मारती है पहले। तू तो मेरे से इतना दूर था, वो बाजू वाली आंटी को इतना दूर दूर से कराटे मारते, मतलब रात को खाना ज्यादा खाई थी। हमारा तो लाइक आला ना, नहीं किया था तो नहीं कराटे मारे थे ना मैंने, झूठा है तू। अरे मैं सुना, मैं रिकॉर्ड नहीं किया। चल मर जाएगी तू, ये जाग रहा था, इसने नहीं सुना। मैं जाग रहा था, तू दूर था।
झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तो था इतना दूर लूडो में हारी ना, तो दूसरी साइड था। लूडो में हारी की नहीं, तो पूरा दूसरे गांव में था। लूडो में हारी की नहीं, हारी नहीं, हारे ना अपन, नहीं हारे। दो बार, एक तो बार, दो बार हारी। तूने एक तो टीम वाला चालू कर दिया था, लूडो पता भी नहीं था। नहीं, दो बार हारी तू एक्सेप्ट कर। मैंने खेला ही नहीं हम लोग ने, तो फिर मेरे पास है लिस्ट। तू जीत गया उसके बाद खेला ही नहीं। अच्छा ठीक है। हाय प्रफुल, हाय बाय। कब चालू होगा ट्रेन? कब से रुक गया बीच में, किधर रुका पता नहीं। तो फाइनली मुंबई से 17 घंटे का सफर करके हम पहुंच गए श्री कृष्ण की प्यारी नगरी द्वारका। तो अभी हम स्टेशन के बाहर आ चुके हैं, यहाँ से ऑटो करके हम जाएंगे द्वारकाधीश मंदिर के पास। हमने होटल बुक किया है, तो होटल में चेक इन करेंगे, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे घूमने मंदिर में दर्शन करने। और यहाँ पे सब शेयरिंग ऑटो अवेलेबल है स्टेशन के बाहर से, जो 20 रुपीज में आपको द्वारकाधीश मंदिर छोड़ देगी। तो ये है नेक्स्ट 2 डेज के लिए हमारा रूम। हमने मार्केट एरिया में लिया है, तो मार्केट एरिया में आपको बजट में रूम्स मिल जाएगी। ये 800 रुपीज़ में हमें मिला। तो आप कब आ रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है, सीज़न के हिसाब से यहाँ पे प्राइस चेंज होती रहेगी। सो ये थी हमारी मुंबई से द्वारका तक की जर्नी। अभी हम निकल चुके द्वारका एक्सप्लोर करने, और सबसे पहले हम जा रहे द्वारकाधीश मंदिर। तो हमारा जो एक फ्रेंड है वो यहाँ पे पहले भी बहुत बार आ चुका है, तो उसे सब लोकेशन यहाँ की अच्छे से पता है, तो वो अच्छे से हमें घुमाएगा, तो हम उसके भरोसे ही जा रहे हैं। अभी द्वारकाधीश मंदिर से हम जा रहे हैं सुदामा सेतु की तरफ, और यहाँ की गलियाँ भी छोटी छोटी इतनी प्यारी प्यारी है, और यहाँ से चल के जाने का भी एक अलग ही मजा है। अभी द्वारकाधीश मंदिर से दर्शन करके हम आ चुके हैं सुदामा सेतु के पास, जो द्वारकाधीश मंदिर से बस 2-3 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो आप यहाँ पे जरूर आना, और सुदामा सेतु और गोमती नदी दोनों यहाँ पे साथ में ही है। तो अभी हम यहाँ पे गोमती नदी के किनारे पे बैठे थे और ये प्यारा नज़ारा एंजॉय कर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा शांति और सुकून है यहाँ पे। और एक्चुअली यहाँ पे सुदामा सेतु बंद है, सुदामा सेतु पर जाना अलाउड नहीं है, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चालू है इसलिए। तो अभी वो कभी चालू होगा वो तो नहीं पता, बट अगर आप आओ और चालू हो तो ज़रूर जाना। देखो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बोटिंग करके कुछ जाना है, तो अभी देखते हैं आरती के बाद कैसे जाना है। तो वो सामने किनारे पे जाने के लिए वैसे तो सुदामा सेतु से जा सकते हैं, पर अभी सुदामा सेतु बंद है तो हम बोट से जाएंगे। और यहाँ पे आप पैरासेलिंग और दूसरी भी वाटर एक्टिविटीज भी इंजॉय कर सकते हो। और यहाँ के लोकल्स भी काफ़ी स्वीट है, काफ़ी हेल्पफुल है। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो उन्हें, मतलब लोकेशन जानना हो या कुछ भी आपको पूछना हो। और अभी यहाँ पे ये मंदिर की ध्वजा चेंज की जा रही है, दिन में 5 बार चेंज होती है मंदिर की ध्वजा। और ध्वजा चढ़ाने के लिए लोग एडवांस में 4-5 महीने पहले से बुकिंग कर देते हैं। अभी हम आए थे होटल में, और अभी हम लोग जा रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर में आरती के लिए, और अंदर फोन बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो अभी हम लोग यहाँ पे ही रख के जा रहे हैं। सो आपको आके मिलती हूँ, बाय। अभी हम मंदिर की आरती में अच्छे से शामिल होके आ चुके हैं, बहुत ही मस्त धूमधाम से आरती हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और अभी हम जा रहे हैं डिनर करने, फ़ोन लेने आए थे, मंदिर में कुछ भी अलाउड नहीं है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ लेके जाना। अभी हम डिनर करने कहाँ जा रहे हैं, प्रसादालय ना, प्रसादालय जा रहे हैं। ये द्वारकाधीश मंदिर के पास ही ये भोजनालय, जहाँ पे 30 रुपीज में खाना मिलता है। यहाँ पे आपको दोपहर का और रात का दोनों टाइम का खाना मिल जाएगा, और सच में काफी टेस्टी था डिनर। और भोजनालय के अलावा मार्केट एरिया में भी बहुत सारे अलग अलग रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है।
और अभी पानी देखो पूरा यहाँ तक आ चुका है, तो हम उस तरफ तो नहीं जा पाएंगे। और हम शाम को जाने वाले थे वो साइड किनारे पे, वहाँ से भी व्यू काफी अच्छा दिखता है, पर हम मंदिर की आरती में चले गए तो हम नहीं जा पाए, पर ठीक है कोई बात नहीं। तो गाइस अभी हम लोग डिनर करके आ चुके हैं वापस गोमती नदी के किनारे, और डिनर सच में काफी ज्यादा टेस्टी था, 30 रुपीज में अच्छा था। और यहाँ पे गोमती नदी के किनारे चलते चलते हम यहाँ पे आगे आए, तो यहाँ पे मरीन ड्राइव जैसा माहौल है। ये है द्वारका का मरीन ड्राइव, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे आके। नाइट वॉक भी हो गया, अभी अगर मार्केट खुला होगा तो मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, कुछ स्वीट खाएंगे और जाएंगे घर पे, सॉरी रूम पे। और कल का डे और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कल हम जाने वाले हैं बेट द्वारका और दूसरी भी जो आसपास की जगह है वो घूमेंगे। सो देखते हैं कल का डे कैसा जाता है, आज का दिन भी वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे अगर लोग आए तो क्या सबसे ज्यादा ट्राई करना चाहिए फूड में? यहाँ पे तो बहुत सारी आइटम है, जैसे कि यहाँ के समोसे जो होते हैं, चपटी समोसे बोलते हैं उसको, जो यहाँ की फेमस आइटम है, और यहाँ की लस्सी। फिर आता है चटनी पूरी, जो नॉर्मल पानी पूरी होती है ना वैसा नहीं होता, ये उसमें क्या होता है पापड़ी पूरी होती है, और उसपे जो वटाणा को बोलते हैं ना उसका मसाला होता है, वो सब डाल के वो चटनी पूरी होती है। ये सब कहाँ मिलेगा? हम पूरा मार्केट घूम के हमें कुछ नहीं मिला। यहाँ पे आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आपको आगे जाना पड़ेगा तीन बत्ती चौक के पास। कौन सा? तीन बत्ती चौक। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से आधा किलोमीटर होगा। ओके, कल जाएगा अपन, तेरे को समझाना रवि, तेरी जिम्मेदारी है। अभी हम लोग मटका कुल्फी खा के जाएंगे सोने। नेक्स्ट डे हमने बेट द्वारका और दूसरी भी बहुत खूबसूरत लोकेशंस एक्सप्लोर की, तो मिलते हैं सैटरडे को द्वारका पार्ट 2 के साथ, जिसमें आपको हमारी ये ट्रिप का पूरा एक्सपेंस भी पता चलेगा। तो अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। टाटा।